अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम स्किल साइडर पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे कि स्किल साइडर पर हम अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके स्किल साइडर डॉट पी के सर्च किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा अकाउंट लॉगिन ही नहीं होता। मैं कोई सी भी ईमेल पासवर्ड लगाऊँ, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए आपको किसी का अफिलिएट लिंक चाहिए जिससे आपका स्किल साइडर पर अकाउंट बनेगा। मेरे पास ऑलरेडी अपना अफिलिएट लिंक है क्योंकि मैंने पहले स्किल साइडर का कोर्स बाय किया हुआ है। मैंने यहाँ पर अपना लिंक कॉपी करके रखा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट बनाता हूँ स्किल साइडर पर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे पैकेजेस आ जाते हैं। इनमें से हमने इनरोल किस पर करना है? हमने 1749 वाले पैकेज में इनरोल करना है। जैसे ही हम इनरोल करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ डिटेल मांगेगा। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, नीचे भी मैंने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल देनी है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आपने अपनी करेक्ट ईमेल देनी है क्योंकि जब भी आपकी पेमेंट आएगी आपकी ईमेल पर ही आएगी। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ये जी, मैंने पासवर्ड दे दिया। मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पेमेंट डिटेल मांगेगा। जो आपने जिससे कोर्स लिया है उसको आपने पेमेंट की होगी, वो डिटेल यहाँ पर आपने सबमिट कर देनी है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ जो मेरे इजी पैसा पर है। अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। ये जी, मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया। ट्रांजैक्शन आईडी लिख देता हूँ मैं, जो आपकी पेमेंट में ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आएगी। यहाँ पर जी मैं अपनी अमाउंट लिख देता हूँ, मैंने कितनी कोर्स की फ़ीस पे की। मैंने 1749 रुपये कोर्स की फ़ीस पे की थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। और ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग है। जिसको आपने पेमेंट की हुई है उसको आप अपनी जीमेल सेंड करेंगे, उसको कहें मेरा अकाउंट अप्रूव करवा दें। वो आपका 1 घंटे या 30 मिनट में अकाउंट अप्रूव करवा देगा। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। जो आपने ईमेल पासवर्ड वहाँ पर लगाया था वो दे के मैं अपना अकाउंट कर लेता हूँ जी लॉगिन। लें जी, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। इसके आगे हमने क्या करना है? लॉगिन तो हमारा अकाउंट हो गया, इसके आगे आपने जिस कोर्स के पैसे दिए हुए हैं उस कोर्स की आपने वीडियो देखनी है। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पर माई कोर्सेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से मैं किस पर क्लिक करूँ? आपने इस कोर्स के पैसे दिए हुए हैं, इस पर स्टार्ट लर्निंग करें और अपने कोर्स की वीडियोस देखें। आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं, एक इंटरनेशनल अफिलिएट मार्केटिंग, एक स्किल साइडर अफिलिएट मार्केटिंग और एक ब्लॉगर का कोर्स है। मैं दरअसल स्किल साइडर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं स्किल साइडर वाले ही कोर्स की वीडियोस देखूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे काफ़ी सारी वीडियोस सामने नज़र आ रही हैं। आपने इन वीडियोस को देख के अपना काम स्टार्ट करना है स्किल साइडर पर। अगर आप किसी और पर काम करना चाहते हैं तो उस वाले कोर्स पर क्लिक करके आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात, हम अपना अफिलिएट लिंक कहाँ से लेंगे? मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने अर्निंग डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। ये जी हमारा अफिलिएट लिंक है, इसको कॉपी कैसे करना है? ये मैंने इस पर क्लिक किया, इस तरह जी मैंने अपने अफिलिएट लिंक को कॉपी कर लिया। मैं अपने किसी यूज़र को सेंड करता हूँ जाके। दें जी, ये मैंने अपने यूज़र को लिंक सेंड कर दिया अपना। ये इस पर वो क्लिक करेगा और अपना अकाउंट स्किल साइडर पर बना लेगा। यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें इस चैनल पर।